हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटीए जेई मेन टेस्ट 83 केमिस्ट्री डिस्कशन। आई एम शशि। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमें बताना है। D2 ट्राइटियम है, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन है। तो जनरली जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रहता है वो इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, बट यहाँ पर स्लाइटली मॉलिकुलर मास पर भी डिपेंडेंसी है। तो ट्राइटियम के अंदर जो वैल्यू होगी बॉइलिंग पॉइंट की, वो सबसे ज़्यादा होगी, तो ये तो गलत दिया हुआ है। नॉर्मल पेंटेन और नियो पेंटेन की अगर हम बात करते हैं, तो नियो पेंटेन में जो सरफेस है वो सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो गया। सरफेस एरिया डिक्रीज़ होने के कारण से वैंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो इसमें भी गलत दिया हुआ है। नॉर्मल पेंटेन के अंदर वैंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग रहते हैं और उन फोर्सेस की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर रहता है। ज़ेनॉन आर्गन हीलियम में सेम कंडीशन है। ज़ेनॉन के पास बड़ा साइज़ है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, तो इसके अंदर भी वैंडरवॉल फोर्सेस हाइयर होंगे, तो ज़ेनॉन में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये भी गलत दिया हुआ है। मेटा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, जब हम मेटा नाइट्रोफिनॉल देखते हैं, मेटा पे नाइट्रो है और इधर OH ग्रुप है, और दूसरा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, OH है और इधर NO2 है। तो जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। वहीं ये जो OH होगा, ये मेटा नाइट्रो वाला, ये किसी और NO2 ग्रुप के साथ, OH के साथ, ये फिर इधर pH है, इधर OH है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसमें। तो इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया, जो कि बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज़ कर रहा है, और ये इंटरमॉलिक्यूलर है जो कि बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ कर रहा है। तो मेटा नाइट्रो जो है वो हाइयर बॉइलिंग पॉइंट पे, देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। इन द रिएक्शन दिस, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है, सबके मोल्स दिए हुए हैं हमें। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है 4A प्लस 2B प्लस 3C, और इससे बन रहा है A4B2C3। ए के हमें गिवन है 0.6 मोल, बी के गिवन है 0.72, ए के गिवन है 1 मोल, ए का 1 मोल है, बी का 0.6 मोल है और सी का 0.72 मोल है। तो हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना पड़ेगा, और लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए हमें मोल अपॉन कोएफिशिएंट वैल्यू चाहिए। मोल अपॉन कोएफिशिएंट ये 1/4 है, ये 0.6/2 है, ये 0.72/3 है, तो ये वैल्यू आ रही है 0.25, ये आ रहा है 0.3, ये आ रहा है 0.24, तो ये सबसे कम वैल्यू है, देयरफॉर दिस इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो सी लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो जो मोल्स ऑफ A4B2C3 फॉर्म होंगे वो इसी के रेस्पेक्ट में होंगे, मतलब 0.24 मोल ऑफ सी बाई थ्री, दिस इज़ इक्वल टू मोल ऑफ A4B2C3। तो मोल ऑफ सी अपॉन थ्री हमने कैलकुलेट किया, ये 0.24 है, तो 0.24 इज़ द करेक्ट आंसर। टॉटोमर पूछा जा रहा है हमें, ए का टॉटोमर है बी, तो टॉटोमर के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एसिड KOH है, तो KOH क्या करेगा, OH माइनस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा होगा, तो N माइनस बनता हुआ दिख रहा है, सभी एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक है तो ये आसानी से फॉर्म हो जाएगा। N नेगेटिव है इस पर, और डबल बॉन्ड O है। अब हम इसको ऐसा शो कर सकते हैं कि ये जैसे नेगेटिव, इसको हम पुश करते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इधर डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ रहा है, और ये O माइनस के थ्रू हम एक हाइड्रोजन इसको एब्स्ट्रैक्ट करा देते हैं, क्योंकि जब टॉटोमर फॉर्म होता है तो टॉटोमर में केवल हाइड्रोजन की पोजीशन और डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज रहती है, तो ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इससे जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो बन रहा है ऐसा। फिर ये डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ डबल बॉन्ड ये, एंड ये फिर OH बन गया, तो ये बी बन गया अपना फाइनली, जिसमें हमें ये तो कोई इंटरमीडिएट है ना, जहाँ पे O माइनस एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है हाइड्रोजन को, और फाइनली ये बी बन जाएगा, तो बी टॉटोमर है उसका, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एन अल्फा पार्टिकल अप्रोचेज द टारगेट न्यूक्लियस ऑफ कॉपर जेड इक्वल टू 29 सच अ वे दैट द वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर इज जीरो. तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछा जा रहा है. तो जैसे अगर हम यहाँ पे जेड इक्वल टू 29 का कॉपर एटम है या न्यूक्लियस है मान लो, और अल्फा पार्टिकल इसको अगर अप्रोच कर रहा है विद सम काइनेटिक एनर्जी के, तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस जब जब जाएगा तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी. और टोटल काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है इस पॉइंट पे, उसको हम यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इक्वेट कर देते हैं. दिस इज़ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होगा, दिस इज़ इक्वल टू के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू वन है 29 प्रोटॉन होंगे तो 29 इलेक्ट्रॉन, अभी हम सब पॉजिटिव चार्ज में ही कंसिडर कर रहे हैं, और क्यू टू है 2 प्लस का चार्ज है इस पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले रहे हैं अपॉन आर. तो आर क्लोजेस्ट अप्रोच है, तो आर इज इक्वल टू ये 2 और 2 कैंसिल हो गया है, तो ये आ रहा है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 29 e स्क्वायर. ई की वैल्यू पॉजिटिव मान रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. तो ये है आंसर अपना. तो आंसर हमें दिख रहा है ये बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Fe H2O होल 6 2+ है और Cn6 4- है, डिफर इन ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में कैसे डिफर कर सकते हैं, दोनों ही कैसे होंगे, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल होंगे, भले चाहे वो sp3d2 हो या d2sp3 हो. तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गया. फिर मैग्नेटिक मोमेंट और कलर में डिफरेंस आ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन अगेन नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही, ये भी Fe2+ है और ये भी Fe2+ ही है. हाँ, लेकिन हाँ, तो ये भी गलत है. तो हम ऐसे तो ऑड मतलब ऑप्शन से बता सकते हैं कि कौन सा करेक्ट है, बट एक बार देखें तो Fe2+ है 3d6. तो जब H2O है तो H2O क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से फील्ड होंगे ये Fe H2O होल 6 में. और इन FeCN होल 6 4- में ये जो 3d6 है ये पेयरिंग हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इसमें d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. तो ऑब्वियसली इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 हैं. तो मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट है और इसकी वजह से कलर भी जो होगा वो डिफरेंट आएगा. तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. 10 moles ऑफ एन आइडियल गैस आर फिल्ड इन क्लोज्ड वेसल, ठीक है. द वेसल हैज़ सिलेंडर एंड पिस्टन टाइप अरेंजमेंट. इसका मतलब है कि जो प्रेशर होगा, प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा. एंड द प्रेशर ऑफ द गैस रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट 0 point. तो प्रेशर हमें गिवन है. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स करेक्ट वेरिएशन ऑफ लॉग वी वर्सेज लॉग टी. तो देखें, आइडियल गैस है, पी वी इक्वल टू एन आर टी फॉलो करेगा, मोल्स कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है और प्रेशर कॉन्स्टेंट है. तो वी इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी टाइम्स टी. मोल्स 10 mole गिवन है हमें, आर की वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर अपॉन मोल केल्विन, और प्रेशर है 0.821 एटीएम. तो एटीएम और एटीएम कैंसिल हो गया, मोल कैंसिल हो गया, लीटर. तो हम अभी यूनिट को ज़्यादा केयर और नहीं करते हैं. तो ये जो एन आर अपॉन पी की वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू, ये भी, ये तो पूरा कैंसिल आउट ही हो गया. तो ये 1 आ गई है, 1 liter पर केल्विन, और टेम्परेचर जो भी केल्विन में होगा. तो यहाँ से देखें, और V इज इक्वल टू टी आ रहा है. तो log V इक्वल टू log T, ये आ गया सीधा. इसका मतलब है log V इक्वल टू log T आ रहा है, मतलब log V वर्सेस log T जो होगा वो स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप इक्वल टू 1, मतलब tan 45 डिग्री. तो A आ जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द अदर. तो एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं हैं. जैसे देखें अगर हम, तो ये नेगेटिव चार्ज हम दोनों साइड कहीं भी पुश कर सकते हैं. अगर हम इधर पुश करें तो ये नेगेटिव ऐसा जनरेट हो जाएगा, तो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया है ऐसा. डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, O- है और ये है
और एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर फिर से इसको इधर कर देते हैं पुश, ये इधर आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो ये तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इसके बन रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें केवल ऑड वन आउट फाइंड करना है, कौन सा चौथा स्ट्रक्चर गलत दिया हुआ है हमें वो देखना है हमें। ओ माइनस, ओ सॉरी डबल बॉन्ड। तो ये तो बी दिख गया हमें, ये ए है ही, और सी और डी में से देखे तो सी, ये सी दिख रहा है, मतलब डी जो है वो इस पे नेगेटिव चार्ज, तो कहाँ से आएगा, तो ये गलत आंसर है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी ऑब्टेंड फ्रॉम, अब NaNO3 को जब हम हीटिंग करते हैं तो NaNO3 को हीटिंग करने से NaNO2 और O2 फॉर्म होता है, बाकी सबसे भी O2 फॉर्म होता है, बट बाकी सब में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ये सब आपको। दी एस एस बॉन्ड एनर्जी इफ़ डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ दिस इज डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन, सबकी दी हुई है और एस एस बॉन्ड एनर्जी हमें बतानी है। तो हम पहले अगर तीनों की बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन लिख लें, तो CH3, CH2, सल्फर और CH2, CH3, ये ETS ETS दिया हुआ है। इसका डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन को हम डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन वन लिख रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए चार कार्बन है, तो फोर कार्बन ग्रेफाइट यूज़ करेंगे और 3 10 हाइड्रोजन है, तो 5H2 यूज़ करेंगे और एक सल्फर है, तो हाफ S1/8 S8 यूज़ करेंगे। और फेजेस तो मेंशन कर ले, ये गैस है, ये सॉलिड है, ठीक है, तो ये फॉर्म हो जाएगा। सेकंड में अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ETSS बॉन्ड है, मतलब अगेन CH3 तो है ही, CH2 तो है ही, सल्फर है, सल्फर है और CH2 और CH3 फिर से हैं, तो चार कार्बन तो फिर से है, चार कार्बन सॉलिड प्लस 10 है हाइड्रोजन, 5H2 गैस और दो है इस बार सल्फर, तो 1/4 एसेट कर देते हैं सॉलिड। अब इसके डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ये भी हमें गिवन है, इसको डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन 2 लिख देते हैं। तो और एक सल्फर गैस भी गिवन है हमें, सल्फर गैस को बनाने के लिए 1/8 एसेट से बना लेंगे, इसका डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो इन तीनों रिएक्शन से हम एक फाइनल रिएक्शन बना लेते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि ये सब के लिए तो हमें इनका फॉर्मेशन तो वैसे भी ज़ीरो है, तो इनको हम कैंसिल आउट करके एक नेट इक्वेशन बनाएं अगर, तो ये इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि हमें सल्फर SS बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो इसको हम इधर रख देते हैं, मतलब रिएक्टेंट साइड में रख देते हैं। तो ये CH3 CH2 सल्फर सल्फर CH2 CH3 है, और इससे हम CH3 CH2 फर्स्ट वाली रिएक्शन को इसे इधर ही रख रहे हैं। हेस्लॉ है, हेस्लॉ तो कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस सल्फर है ना। तो इन तीनों रिएक्शन को जब हमने ऐड सब प्रैक्ट इस तरह से किया है, हमने रिएक्शन वन प्लस रिएक्शन टू और माइनस रिएक्शन सॉरी रिएक्शन वन प्लस रिएक्शन थ्री माइनस रिएक्शन टू किया है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे बाकी जो कार्बन H2 ये सब है तो ये सब कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, यहाँ से अपने पास आ रहा है ये डेल्टा एच नॉट इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच नॉट है ये आ जाएगा अपने पास डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन 1 + 3 प्लस डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन 3 एंड माइनस डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन 2, ठीक है। तो ये वैल्यू डेल्टा एच नॉट की आ गई। अब इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे हमें क्योंकि SS बॉन्ड एनर्जी चाहिए, तो अगर आप नोटिस करो तो बाकी सारे बॉन्ड इसमें आइडेंटिकल हैं, है ना। जितने बॉन्ड यहाँ पे CH3 के हैं, इतने ही बॉन्ड इधर भी CH3 के हैं, CH2 CH2 CH3, इधर भी दो CS CS बॉन्ड है, इधर भी दो CS CS बॉन्ड है, तो एक ही बॉन्ड इधर एक्स्ट्रा है और वो है ये SS बॉन्ड। तो इस SS बॉन्ड को ब्रेक करने की बेसिकली ये टोटल एनर्जी आ जाएगी इधर, मतलब ये जो कंप्लीट डेल्टा एच नॉट है यही DSS भी है। ये तो हमने ऐसे मतलब अपने लॉजिकली सोच लिया, बाकी आप इसको मैथमेटिकली भी इस्टेब्लिश कर सकते हो। आप सारे बॉन्ड एनर्जी को ऐसा ब्रेक कर दो DCC DHS बॉन्ड में,
तो आप देखोगे कि सारे कुछ कैंसिल हो गए और केवल डी एस एस बॉन्ड बचा है। तो यहाँ से हम इसको फाइंड कर ले, तो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन वन, तो मतलब वन अपने पास क्या गिवन था, ये माइनस 147 है प्लस 3 मतलब 223 और माइनस ये है माइनस 200 टू रिएक्शन टू का, तो ये डी एस एस बॉन्ड आ जाएगा। तो ये किलो जूल पर मोल में वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करें तो ये माइनस और माइनस प्लस है, तो ये 52425 माइनस 147 किलो जूल पर मोल, फोर तो ये कितना आ रहा है 147, इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 8 7 15 और 7 4 11 और 2, तो 278 किलो जूल यहाँ से आंसर आ जाएगा। मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 है, तो ये सबसे पहले एक H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बन गया अभी पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया ET, PH और M। अब एक मिथाइल, बेसिकली मिथाइल जो ग्रुप है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये सब बॉन्ड ऐसे बनाए हुए हैं, आप इसको फिशर प्रोजेक्शन में जनरली ब्रेक करना और ये सब थोड़ा मुश्किल रहता है, तो आप चाहो तो सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, बट ये समझ सकते हो कि मिथाइल अगर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पोजिशन पर आ जाएगा और इसके बाद जो OH होगा वो इधर ही अटैच होगा, तो ये अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। बस ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ये दोनों ही फॉर्म होंगे, मतलब प्लस माइनस दोनों फॉर्म होंगे क्योंकि कार्बो कटायन बना है। हीट ऑफ एडक्ट फॉर्मेशन, तो हीट मैक्सिमम किस में रिलीज होगी, जब लिविस स्ट्रक्चर मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम बॉन्डिंग होगी और वहाँ पर मैक्सिमम हीट रिलीज होगी, तो लिविस स्ट्रक्चर की जो या लिविस एसिड जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो Bi3 के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट एडक्ट फॉर्मेशन होगा। 250 ml सैंपल ऑफ 0.2 मोलर Cr3+ इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद करंट ऑफ दिस इफ रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr3+ आयन इज 0.1 मोलर, तो कितने मोल कन्वर्ट हुए हैं, इनिशियली 0.2 मोलर था और बाद में 0.1 मोलर बचा है और टोटल 250 मिलीलीटर था, तो इतने मिलीमोल फॉर्म हुए हैं, इतने मिलीमोल मतलब कंज्यूम हुए हैं, दिस इज इक्वल टू 0.1 × 250 25 मिलीमोल Cr3+ जो था वो कंज्यूम हुआ है, तो Cr3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इससे Cr सॉलिड बन रहा है, तो अगर इसके जब 1 मोल कंज्यूम होते हैं तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कंज्यूम्ड इज 75 मिलीमोल इलेक्ट्रॉन। 75 मिलीमोल इलेक्ट्रॉन को हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 96500 कूलम्ब है, कूलम्ब इज 1 एम्पियर सेकेंड, और 1 एम्पियर सेकेंड है तो हम 96.5 एम्पियर करंट पास किया गया है, तो डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू अपने पास सेकेंड में आ जाएगी, मोल इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, एम्पियर कैंसिल हो गया और ये मिली है, तो 75 × 10⁻³ और ये 1000 times भी कैंसिल हो रहा है, तो 1000 सेकेंड, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 75 सेकेंड। आसान क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1। SN1 का जो फॉर्मेशन है वो पहले कार्बो कटायन फॉर्म होना चाहिए, मतलब अगर हम इससे कार्बो कटायन फॉर्म करते हैं तो ये यहाँ पे Br निकलेगा, तो इधर पॉजिटिव फॉर्म होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है दिस हैज़ बिकम एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक होने के कारण से फिर ये इसका फॉर्मेशन सबसे डिफ़िकल्ट होना चाहिए, तो यही करेक्ट आंसर होना चाहिए, बाकी सब में तो एस्टैब्लिश्ड है। जैसे इसके अंदर अगर फॉर्म होता है तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा पॉजिटिव, वो इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है और ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, तो ये भी फॉर्मेशन आसान होगा। फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन 2H से प्रोडक्ट प्लॉट लॉग 2t½, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT टाइम T, 1 बाई A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्लस KT होता है, और हमें A इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो A0 KT½ के लिए सॉल्व कर लेते हैं, A0/2 इक्वल टू 1 बाई A0 इक्वल टू KT + KT½, मतलब जब टाइम T½ हो गया है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A जो है वो A0/2 हो जाएगी। यहाँ से सॉल्व करें तो ये 1 बाई A0 आ रहा है, 1 बाई A0 को A लिख देते हैं, स्मॉल s लिखा हुआ है, इज इक्वल टू KT½। यहाँ से T½ जो है T½ इज इक्वल टू 1 बाई KA, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें log T½ चाहिए,
लॉग ऑफ टी हाफ क्या आ रहा है, माइनस लॉग के या लॉग माइनस लॉग के या लॉग वन बाई के माइनस लॉग ए। तो हमें पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ अ प्लॉट ऑफ लॉग टी हाफ वर्सेस लॉग ए विल गिव एन इंटरसेप्ट इक्वल टू, इंटरसेप्ट जो है वो अगर हम इसको कंपेयर करें वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो स्लोप माइनस वन आ रहा है और इंटरसेप्ट लॉग वन बाई के आ रहा है। हालांकि इन्होंने आंसर ये दिया है बट मेरे ख्याल से लॉग वन बाई के करेक्ट आंसर होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग मेटलर्जिकल प्रोसेस, हीटिंग इम्प्योर मेटल सी ओ। तो ये तीन प्रोसेसेस गिवन है, हीटिंग द सल्फाइड ओर और इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस तो जनरली हम एक्टिव मेटल से करते हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, इन सब का। तो हमें मैग्नीशियम, निकल और कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैग्नीशियम को हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से कर रहे हैं, कॉपर के सल्फाइड्स और होंगे तो उनको उससे रिड्यूस करेंगे, मतलब उससे बनाएंगे। और हीटिंग इम्प्योर ये तो निकल के लिए यूज़ करते हैं, तो थ्री मैग्नीशियम के लिए है, मतलब ये इसका थ्री है, निकल का वन है और कॉपर का टू, तो 3 1 2 इज द करेक्ट आंसर। गिवन स्ट्रक्चर है, हम HCl और ZnCl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और इधर SOCl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। SOCl2 के साथ जनरली कार्बोकैटायन फॉर्मेशन ऑब्जर्व नहीं होता है, तो अगर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं ऑब्जर्व होगा तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा CH2 और OSOCl, ये फिर SN2 पाथवे से मूव करेगा। सबसे पहले तो यही हो रहा है, OH जो है वो सल्फर पर अटैक करता है और एक Cl बाहर निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद जो Cl- है ये इस पर SN2 अटैक करेगा, SN2 अटैक करेगा, तो यही फॉर्मेशन होना है। लेकिन जब HCl और ZnCl2 है तो इसकी लिविंग एफिनिटी जनरली थोड़ी हाई रहती है, तो इसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर CmE3CH2 और OZnCl2 जो बन रहा है होगा, या OZnCl जो बन रहा होगा या Cl2, तो उससे ये ग्रुप को निकलने की जनरली जो एफिनिटी है वो हाइयर रहती है, तो इससे Me3 कार्बन CH2 प्लस कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाएगा। और कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के बाद फिर ये इसके बाद रीअरेंजमेंट इसमें मिलेगा देखने को, Me और CH2 Me और इधर पॉजिटिव चार्ज, तो फिर इधर Cl- इस पर अटैक करेगा। अब ये ZnCl ही होना चाहिए शायद, तो आप देख लेना इसको एक बार। तो Cl इस पोजीशन पर अटैक, मतलब एक में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा, ए के ए में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा और बी में नहीं होगा। द सिलिकेट अनायन इन द मिनरल वैलोस्टोनाइट इज अ चेन ऑफ 3 SiO4 4- टेट्राहेड्रल दैट शेयर कॉर्नर्स विद एडजेसेंट टेट्राहेड्रल। तो इसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रक्चर ध्यान रखना पड़ेगा, ये Si3O9 6- रहता है जनरली, मतलब टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो आपस में सिलिकेट आयन शेयर करते हैं, मतलब ऑक्सीजन है जैसे, तो ये यहाँ भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अब यहाँ बीच में एक सिलिकन है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के फॉर्म में, अब ये फिर से शेयर कर रहा होगा, ये ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है और फिर एक ऑक्सीजन है, तो इधर फिर एक सिलिकन एटम है बीच में और फिर से ये चार्ज शेयर कर रहा होगा, ऑक्सीजन 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 और इधर सिलिकन होगा बीच में। तो इस तरह से ये रिपीटिंग यूनिट्स रहते हैं तीन तीन सिलिकन के, तो ये 6- चार्ज इस पर रहता है, जितने सिलिकॉन रहेंगे उतने 2n- चार्ज जनरली रहता है। Mg ईथर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो Br जनरली ज़्यादा रिएक्टिव है, तो MgBr बन जाएगा, मतलब सबसे पहले स्ट्रक्चर में Cl MgBr बन गया। D2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो D एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये डी बन गया। और फिर Na ईथर के साथ वुड्स रिएक्शन करा रहे हैं तो दूसरा Cl जो है सेम मॉलिक्यूल, दूसरा जो Cl का मॉलिक्यूल है डी, इन दोनों यहाँ से 2 NaNaCl यहाँ से निकल जाएगा, तो ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। और एक डी इधर एक डी इधर, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो डी और डी अटैच हो रहे तो ये बी बन जाएगा यहाँ।
वट विल बी द पी एच ऑफ सोल्यूशन फॉर्म्ड बाई मिक्सिंग 40 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl. HCl और NaOH का रिएक्शन करा रहे हैं, H2O फॉर्म होगा. H प्लस 40 ml ऑफ 0.1 मतलब 4 mmol है, और OH माइनस कितना है 4.5 mmol. 0.45 × 10 करेंगे, माइनस फोर कर दिए, 0.5 mmol आ रहा है. तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से आ जाएगी 0.5 mmol अपॉन टोटल वॉल्यूम 40 और 10 50 ml. तो इतना मोलर आ गया है. तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 5, तो कैंसिल हो गया. तो ये 0.01 मोलर. तो POH आ जाएगा 2, मतलब ये है 10^-2 मोलर. तो POH 2 आ जाएगा, एंड देयरफॉर pH इक्वल टू 12. CH3I के साथ रिएक्शन करा रहे एक्सेस, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये CH3 के साथ मिथाइलेशन कर लेगा, और ये फॉर्म कर लेगा नाइट्रोजन CH3 प्लस, और दो मिथाइल इधर भी है. अब ये AgOH के साथ जब हीटिंग करते हैं तो I माइनस को रिप्लेस कर देता है OH माइनस, और फिर ये जो OH माइनस है ये यहाँ पे कैसा एलिमिनेशन शो करता है, ये शो करता है यहाँ पे हॉफमैन एलिमिनेशन. हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या होता है, जो लेस हिंडर्ड साइट है, ऐसे तो यहाँ पे एक ही बीटा हाइड्रोजन है, यही बीटा हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर बनेगा और ये नाइट्रोजन निकल जाएगा. तो ये बना सबसे पहले ऐसा. अच्छा ये तो टूट गया है. तो नाइट्रोजन पे दो मिथाइल ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड बन गया. अब नेक्स्ट हम फिर से सेम रिएक्शन रिपीट कर रहे हैं, फिर ये जो नाइट्रोजन को लोन पेयर है ये फिर से CH3I के साथ रिएक्शन करेगा. आई माइनस डिपार्ट कर रहा है और सबसे पहले ये डबल बॉन्ड बना नाइट्रोजन, ये आई माइनस आएगा, लेकिन फिर OH माइनस के साथ जब हीट करते हैं तो N प्लस और आई माइनस. तो जब OH माइनस के साथ हीट करते हैं G2O के साथ, तो ये OH को एक रिप्लेस कर देगा आई माइनस को रिप्लेस करके, और यहाँ पे बन जाएगा OH माइनस. और फिर ये OH माइनस फर्दर हीटिंग करने पे जो बीटा पोजीशन है, एक सेकेंड, एक कार्बन एक्स्ट्रा है, हमने एक कार्बन कम बनाया यहाँ पे. एक और कार्बन यहाँ पे शो करना पड़ेगा. तो फिर जो OH माइनस है वो OH माइनस इस बीटा हाइड्रोजन को फिर से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, डबल बॉन्ड बनेगा और ये NCH3 होल थ्राइस बाहर निकल जाएगा. तो यहाँ से ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है हमें. ये डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड. तो ये मैकेनिज्म है इसका कम्प्लीटली. तो ये स्ट्रक्चर फाइनली फॉर्म होगा, देख लेते हैं कौन सा स्ट्रक्चर है. तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसका. वन ऑफ द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6,6 इज एन एसिड. एसिड कैसा है, एडिपिक एसिड है. एडिपिक एसिड दोनों तरफ 6 कार्बन है, दोनों तरफ OH ग्रुप है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6. तो CO2H ग्रुप कितने प्रेजेंट है, 2. हाउ मैनी कायरल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन सीमेटिडीन. अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है इसका, जो कि जनरली किसी को नहीं पता रहता है, तो फिर आप नहीं बना सकते हो. मुझे भी नहीं पता, मैंने तो देख के बनाया ऐसा स्ट्रक्चर है. नहीं भी बनाते हो, नहीं भी याद रखते हो, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं. कुछ कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे देते हैं, इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं वो हमें क्वेश्चन सेटर से ही पूछना चाहिए कि कितने स्ट्रक्चर उसे याद है, वो भी हम देखें. NCN और NHCH3. तो अगर हम देखें तो काइरल कार्बन एटम्स, इसके पास कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो कि काइरल है. ये sp2 है, ये sp2 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0. लेकिन इसमें भी बेवकूफ़ी की, इन्होंने नाइट्रोजन को काइरल कार्बन बोल रहे हैं और इसके बाद आंसर दे रहे हैं.
हाउ मैनी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ आर इंटेंसिव? इंटेंसिव का मतलब है जो कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करे, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे टेम्परेचर। अगर एक कुछ भी एक आयरन रॉड को लेके उसको हाफ में ब्रेक कर दें हम, तो दोनों जो हाफ हाफ बना है पार्ट्स, उनके टेम्परेचर सेम रहेंगे। तो टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर ग्लास को आधा कर दे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा। डेंसिटी, अगेन डेंसिटी भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंथैल्पी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, एनर्जी, जो ये सब है, ये सब मास अमाउंट पे डिपेंड करेगी। ज़्यादा अमाउंट को बर्न करो तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। मोलर हीट कैपेसिटी पर मोल है, तो ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। गिव्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव है और पीएच इंटेंसिव है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इंटेंसिव है। अगर हम कुछ भी ऐसा समझो कि शुगर सॉल्यूशन को हाफ कर दें तो उसकी मिठास कम नहीं होगी, सेम ही कॉन्सेंट्रेशन रहता है, तो पीएच सेम है इसमें। तो फाइव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। हाउ मेनी एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट? एसिडिक ये है, अब एसिडिक हम जनरली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में बोल रहा हूँ, जो एक्टिव कार्बन के साथ अटैच्ड है, एक्टिव एटम के साथ। ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए हम इसको भी एसिडिक बोलते हैं, स्लाइटली एसिडिक ये भी। और ये क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो होगा वो दो दो NO2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5 एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो होपफुली क्लियर होगा आपको, और थैंक यू।